हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो मैं पहली बार अपने पीसी से बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो गाइस, मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम लोग किस तरह अपने येलो कर्सर, अपनी मतलब विंडो 7 है, 8 है, 8.1 या 10 जो भी है, उस पर किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो गाइस, आप तमाम विंडो पर यह ईजिली हासिल कर सकते हैं कर्सर। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है वो कर लेना है इंस्टॉल। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपने लिखना है, मैं दिखाता हूँ आपको, रियल, सॉरी, रियल वर्ड कर्सर एडिटर। ये आपको नजर आ गया होगा, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आपने इसे कर लेना है सर्च। और उसके बाद ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पहली नहीं बल्कि आपने ये दूसरी साइट से इसे डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने कर्सर बनाना कैसे है। बिल्कुल ईजी है, आप इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये आप साइट पे क्रिएट का ऑप्शन देख रहे हैं, इसे आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू माउस कर्सर। अब यहाँ से आप ये देख रहे हैं, पहले आप यहाँ से माउस सेलेक्ट कर लें, ये आपको नजर आ रहा है, ये माउस कर्सर आप यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं जो भी आपने करना है। मैं चले इतना ही रखता हूँ। इसे आपने अगर मूव करवाना है तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे इसे मूव करवा सकते हैं। इसे मूव मीन्स आगे पीछे लेके जाने। अब आपने यहाँ से इसके ऊपर या पीछे जिधर भी कर्सर लगाना है वो ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आपने इस पे क्लिक करना है और इसे इलिप्स इलिप्स पे करना है क्लिक। इलिप्स टाइप का मीन्स रेक्टेंगुलर आप रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इलिप्स करता हूँ। तो आप इसे यहाँ पर इसे बड़ा कर्सर बना लें, ये आई थिंक आपको नजर आ रहा है कर्सर। अब आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, मीन्स कलर आप तेज भी कर सकते हैं, ऐसा जो भी आपने करना है, जिस तरह भी एडजस्ट आपने बड़ा करना है, छोटा करना है, जो भी करने के बाद आपको समझ आ गई होगी। यहाँ फाइल पे जाएं आप और इधर से आपने सेव करना है। चलिए यहाँ कोई भी नाम लिख दें, ओ सॉरी, यहाँ पे सेव करना है तो इधर हम 4:4 या जो भी आपने नेम इसका सिलेक्ट करना है और उसके बाद पीछे चले जाएं। अब मैं आपको बताता हूँ आपने इसे अप्लाई किस तरह करना है। पर्सनलाइज में जाएं, पर्सनलाइज में जाने के बाद यहाँ पे ये आप सेटिंग देख रहे हैं, होम, ये आपको नजर आ रहा है, डिवाइसेस, जो भी आपने मीन्स माउस सेटिंग में जाना है, जिस तरह भी आप जाएं, आपकी विंडो 7 है, मेरी 10 है, तो ये आपने यहाँ पे आना है, माउस, एडिशनल माउस सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपने पॉइंटर का ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं, इधर क्लिक कर दें और यहाँ से आपने ब्राउज करना है, ब्राउज पे क्लिक करें और उसके बाद आपने, ये ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स में शेयर होता है इसलिए आप लाइब्रेरी में जाएं और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लें। तो ये देखें गाइस, यहाँ पर ये सेव है, ये आप देख सकते हैं मैंने 3-4 बनाए हैं खुद, मतलब ट्राई किए हैं। अब इनमें जो आपने सेलेक्ट करना है करके, यहाँ से सेलेक्ट करके इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपने जो भी आपने रख सेलेक्ट किया है उसे यहाँ से आपने अप्लाई कर देना है। मैं अभी नहीं करता, मेरा ये हुआ हुआ है, कोई भी जो आपने अप्लाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।